15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, खाला जादू करने वाली मंजुलिका है। दोस्तों, अनीस बज्मी की हॉरर कॉमेडी के तड़के से भरी फिल्म भूल भुलैया के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। लंबे समय से ये मूवी चर्चा में बनी हुई है। इस बीच कार्तिक आर्यन की इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। भूल भुलैया 3 में मंजुलिका की रोल में एक बार फिर विद्या बालन का पागलपन देखने को मिलेगा, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। वही इस हॉरर कॉमेडी मूवी में माधुरी दीक्षित के भी होने की चर्चा तेज है। इस बीच मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करने के साथ ही ये भी बताया है कि भूल भुलैया 3 का भूतिया दरवाजा कब खुलेगा। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। मंजुलिका बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? भूल भुलैया 3 के पहले पोस्टर में उस दरवाजे को दिखाया गया है जिसके अंदर आत्मा का वास है। यह दरवाजा सालों से बंद है, जिसे रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन खोलेंगे। पोस्टर में ताले को रुद्राक्ष की माला और लाल धागे से बंधे दिखाया गया है। वहीं दरवाजे पर कई जगह खून के निशान है। तुम मंजुलिका कैसे हो सकती हो? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के पहले पोस्टर ने फैंस का दिल जीत लिया है। इस मूवी को रिलीज होने में मुश्किल से एक महीने का समय रह गया है। ऐसे में इसके टीजर की जानकारी सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक भूल भुलैया 3 का टीजर 27 सितंबर को जारी किया जाएगा, जो कि 1 मिनट 32 सेकंड तक हो सकता है। बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। मां, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देख लो, अभी से बात करो। आपके पीछे जो दो आत्माएं खड़ी हैं, उनसे बात कर रहा हूं। सिंघम अगेन से होगा क्लैश। भूल भुलैया 3 एक्शन फिल्म सिंघम अगेन से टकराएगी। ऐसे में एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलेगा, और इस क्लैश का इनके कलेक्शन पर पड़ने वाले असर को देखना मजेदार होगा। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करती, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।